सबका बाप अंगूठा छाप एक ऐसी कहानी है जो पराग पाटिल जी ने रचा है इसको, हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो निर्माता हैं वो हमारे प्रदीप शर्मा जी, बाबा मोशन पिक्चर्स और सभी कलाकार जो हैं वो आपके सामने ही हैं। अक्षरा जी हैं, श्रुति राव जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, हमारे पदम सिंह जी हैं, संजय महानंद जी हैं। और कहानी है वो इस तरह से है कि एक अनपढ़ लड़का जो कुछ प्रयोग करना चाहता है, कुछ उसको लगता है कि वो सफल हो जाएगा, और उसमें जो उनकी पत्नी की भूमिका में है हमारी अक्षरा जी, वो भी सपोर्ट करती हैं। पिताजी को लगता है कि नहीं कर पाएगा, दोस्त भी सपोर्ट करते हैं संजय जी, और ये जो हमारे संजय पांडे भैया हैं इनको भी लगता है कि नहीं कर पाएगा, पर इनकी जो बहन है इनको लगता है कि कर लेगा। तो ये दोनों के सहयोग से और इन दोनों लोगों के विश्वास से ये उस काम में लग जाता है और उसको सफलता मिलती है, और इसमें जो ड्रामा बनता है वही जो है लोगों को मनोरंजन करेगा उनका और उनको मज़ा आएगा। अरे जहाँ संजय महानंद जी हैं, जहाँ संजय पांडे भैया हैं, वहाँ मतलब कॉमेडी का तड़का ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि ये इसीलिए जाने जाते हैं कि ये हर बार जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं। तो भोजपुरी फिल्मों में आपने बाकी मुद्दों पे तो देखा होगा सिनेमा, इस मुद्दे पे आप पहली बार सिनेमा देखेंगे कि गांव का एक कारीगर है, छोटा सा कारीगर है, जो बाइक किसी की ख़राब हो गई तो उसको खोल देता है और फिर बाद में उसको खुद बांध भी नहीं पाता है। वो कह रहा है कि हम जो है एक बहुत बड़ा प्रयोग करेंगे, उस दिन आप लोग को पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो इस तरह की फिल्म बनाना मतलब इनके बस का ही काम था कि इन्होंने इस पर सोचा और उसको बना रहे हैं। क्या रहा है? बहुत अच्छा रहा। प्रयागराज तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारा लोकेशन है, यहाँ भोजपुरी फिल्में बनती रहती हैं, और आजकल तो भोजपुरी की लगभग 99% फिल्में जो हैं वो यूपी में ही बन रही हैं। तो हम लोग तो 4-5 महीने से यूपी में ही हैं, अयोध्या में शूटिंग किए, बनारस में शूटिंग किए, लखनऊ किए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए बुंदेलखंड में किए। तो हमको तो मुंबई जाने ही नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश। अब तो उत्तर प्रदेश ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि भोजपुरी सिनेमा बनाने वालों को हम उत्तर प्रदेश में ही रख लेंगे, यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश यहाँ से जाने नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो पूजनीय महाराज जी आए थे मुंबई, और वहाँ फिल्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी किया था और उनको आमंत्रित किया था कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, फिल्में बनाइए, हम हर सहूलियत आपको देंगे। आज यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री आ चुकी है। अब आप किसी को देख लीजिए, चाहे पवन सिंह जी को देख लीजिए, अक्षरा सिंह जी को देख लीजिए, आम्रपाली जी को देख लीजिए, या कल्लू जी को देख लीजिए, जितने हमारे मतलब भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, निर्माता हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में ही हैं आज के दिन में। हमेशा से जब भी निरहुआ जी के साथ काम करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा है, और अब भी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, और जैसा कि हमेशा से अच्छा लगा है, आज भी अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लगता रहेगा। ये सौभाग्य की बात है कि इनके साथ काम करने का मौका मिला है। ये इनका बड़प्पन है, भोजपुरी की इनको शेरनी कहा जाता है, और ये जहाँ रहती हैं वहाँ दहाड़ती हैं, तो इनके साथ काम करने का अवसर हम लोग को मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। और संजय पांडे भैया जो हैं वो अपना अनुभव बताएंगे। बताइए संजय पांडे भैया, अपना अनुभव। मेरा तो ठीक है, मैं तो एक अच्छी कहानी और एक अच्छी टीम का हिस्सा हूँ, और ख़ासकर दिनेश जी जिस फिल्म में होते हैं, हमारी तो केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। हमारी जो नोक झोंक है उसके बिना वो तड़का जो लगता है हमारा झगड़े का, वो तड़का इसमें भी है, तो वो मुझे लगता है कि एक अलग कहानी तो ऑब्वियसली दिनेश जी ने बताई कि उस
को कमर्शियली बनाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को, उस कहानी को, और मुझे लग रहा है कि बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बन रही है। बहुत एंटरटेनिंग, और एक बहुत अच्छी कास्ट है इस फिल्म की, क्योंकि कहानी को कास्ट ही उठा कर ले जाती है, शुरुआत से अंत तक पब्लिक के सामने लाती है, तो कास्टिंग बहुत प्यारी है। अक्षरा जी हैं, और शायद हम बहुत दिनों बाद फिल्म कर रहे हैं कोई साथ में, श्रुति जी के साथ अभी एक दो फिल्में की मैंने साथ में, पदम जी हमारे कलीग हैं, हमने साथ में एक्टिंग में कोर्स किया है भोपाल में, संजय महानंदा छत्तीसगढ़ की शान, फिर कुल मिलाकर ये जो बुके तैयार हुआ ये बड़ा खूबसूरत तैयार हुआ, और मुझे लगता है बहुत प्यारी फिल्म बन के निकलेगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि दिनेश सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे सुनती थी कि लाइक मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ सीखा है इनसे स्क्रीन पे देख के, मेरे लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है। तो बहुत ही लकी हूँ मैं कि इस फिल्म का पार्ट हूँ, और सर मुझे हर बार हम राजा डोली लेके आ जाए, इससे पहले एक मूवी में स्क्रीन शेयर किए थे, उसमें भी इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, हर एक सीन में डिस्कशन करके समझाया है, इस फिल्म में भी हर एक चीज़ को समझाते हैं। और मैं इसको प्राउडली बोल सकती हूँ कि दिनेश सर जैसे हर एक हीरो को होना चाहिए, कि हीरोइन भी कंफर्टेबली काम करे, और मैं बहुत खुश हूँ। अक्षरा जी हैं, अक्षरा जी बहुत ही प्यारी हैं, और उनको भी देखा है अभी, वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। संजय सर हैं, संजय सर से हमेशा सीखने मिलता है, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं ही जूनियर हूँ, सब मेरे सीनियर हैं, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? जो किरदार है बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट इतना कहना चाहूंगी कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हाँ वही, वो कंटिन्यूटी बरकरार है। मैंने शुरू में कहा कि हम लोग, मैं जब तक उनकी राह का रोना ना बोलूं, ऑडियंस एंजॉय नहीं करती, मजा नहीं आता। ब्रेकर बना गया। हाँ, वो ब्रेकर मैं बना हुआ, और वो ब्रेकर बनने की जो कंटिन्यूटी वो भी इसमें भी है, बट इसमें ऐसा अलग अलग नहीं है, उसमें दो अलग अलग जोन में रहते हैं हम लोग। यहाँ हम साथ में ही हैं सीन में, और रह भी फिल्म में साथ रहे हैं, उसी दौरान नोक झोंक है, और बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज होती हैं फिल्म में, जो स्क्रिप्ट में नहीं होती हैं, और मुझे लगता है वो चीज़ें ज़्यादा क्लिक होती हैं एक सडनली। बिल्कुल हाँ, मेरा अनुभव जहाँ तक है इन लोगों की केमिस्ट्री को लेके, ये पूरे समय जितना भी वक्त खाली होता है अपने कॉन्सेप्ट, अपने कैरेक्टर को जीने की कोशिश करते हैं, उसमें से नई नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस है, और दिनेश लाल निरहुआ जो मेरे भाई के साथ साथ सुपरस्टार तो है ही है, इनके जैसा कॉपरेशन मैंने अपने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं देखा। इतने व्यवहार कुशल, इतने व्यवहारिकता, और चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करके किस करेक्टर को कितना उभार सकते हो, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत धन्यवाद है उनका, और मैं उनके साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है, लंदन में एक फिल्म की थी, एक निरहुआ द लीडर ना सेवक, वो भी रिलीज़ होने पर है। तो मेरा एक्सपीरियंस तीन फिल्मों में इतना है कि मैं इनका ज़बरदस्त हूँ, या कहूँ अंधभक्त हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो पदम जी ने बात कही वो बहुत सही कही, कि दिनेश जी दरअसल सिर्फ अपने किरदार को लेकर तो वो सतर्क रहते ही हैं कैसे शेप देना है, उस फिल्म के जितने किरदार हैं उनको लेकर वो, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि उनका भी अच्छा रोल हो। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षा मुझे लगता है कि दिनेश जी के अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चाहते हैं कि सामने वाला किरदार और अच्छा करे ताकि सिनेमा अच्छा बने, और ये कहते हैं कि टीम के लिए खेलते हैं, अपने शतक के लिए नहीं। नहीं, पर अच्छी फिल्म तो ऐसे ही बनती है, मुझे लगता है कि जब आप पूरे सिनेमा को अच्छे से, तो ही अच्छी फिल्म बनती है। संजय महानंद भैया, सब कुछ, सब लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि फिल्म में कुछ कहने के लिए मेरे द्वारा बचा नहीं, बस ये कि एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है, और इस अच्छी फिल्म में मेरी जो भागीदारी होगी मैं उसे अच्छे से निभा पाऊँ, ताकि एक अच्छी फिल्म बने और हम लोग सब एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी का बड़ा अच्छा अनुभव है हमने उनके साथ। संजय भैया, आप जो अभी परिचय दे रहे थे वैनिटी में, तो वही इनको मेरा परिचय दे दीजिए, फिर समझ जाएंगे लोग कि फिल्म क्या बन रही है। हाँ जी, और हम लोग नहीं, इनको वही जो किए वही कर दीजिए। बोलिए, हम लोग बड़े तैयारी करके, मतलब विनय जी का सहयोग के बगैर तो होने, वो काफी हिट रहेगा फिल्म में। हाँ, तो उसको हम करते हैं, उसमें हम तीनों ही हैं, तो मुझे लगता है पूरी टीम आ जाएगी। संजय भैया शुरू करेंगे। क्या प्रदीप भैया, आप आ जाइए प्लीज। नमस्ते, क्या ये साहब है? साहब? हाँ, कहाँ का साहब है? हमारा गाँव के साहब। अरे तो यहाँ का करे, यहाँ नौकरी
नौकर का नाम साहेब, हाँ। ड्राइवर का नाम सिपाही, खटाई का नाम मिठाई, ऐसा कहा होला बे? तड़वा में होला। हमरे गांव में होला। इस फिल्म में बहुत ही अलग किरदार है मेरा, प्योर खाटी लुक में हूँ, बहुत ही देहातन और सीधी सादी औरत की भूमिका निभा रही हूँ, इसलिए आज इस अवतार में हूँ।